हेलो फ्रेंड्स, ये है मेड इन इंडिया का इजी ब्रांड का इजी फ्लाई ड्रोन। इस साइड आप देख सकते हैं 10 प्लस फ्लाइंग मोड्स दिए गए हैं, आइटम इंक्लूडेड विद इन द बॉक्स, यू कैन सी इजीली। हेयर 20 मेगापिक्सल सोनी सीमोस सेंसर, 10 प्लस फ्लाइंग मोड्स, 5 किलोमीटर ट्रांसमिशन एंड ऑल दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आर मेंशन्ड इन दिस साइड। टू स्कैन डाउनलोड एप्लीकेशन एंजॉय फ्लाई टू ऐप फॉर फ्लाइंग इजी फ्लाई ड्रोन। नाउ अब हम चलते हैं इजी फ्लाई ड्रोन की अनबॉक्सिंग की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, ये हो गया एयरक्राफ्ट। ये चार्जिंग हब, टू स्मार्ट बैटरीज, वन रिमोट कंट्रोलर, वन चार्जिंग केबल, सम एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स एंड 3 RC कनेक्टर केबल। वन यूजर मैनुअल, वन डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, अब हम इजी फ्लाई ड्रोन को अनफोल्ड करते हैं और इसके टेक्निकल फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले आपको इसका गिम्बल कवर ओपन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 3-axis गिम्बल है, ठीक। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हाउ टू अनफोल्ड आर्म। हेयर यू कैन सी कूलिंग फैन एंड दिस इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। This one is receiver and one is transmitter. Here you can see one SD card slot. You can put SD card on this and record videos and capture images. Serial number to register UIN of the aircraft. And this is a aircraft battery connector pins. These two propellers and these two propellers, twos are clockwise and another twos anti-clockwise. Brand name EasyFly. Here you can also see propeller side arm open directions. So now अब हम चलते हैं इसकी फ्लाइट टेस्टिंग करते हैं एंड कैमरे की क्वालिटी। 4K 30 FPS पे ये कैमरा रिकॉर्ड करता है एंड ऑल्सो चेक फ्लाइंग मोड्स एंड मैनी मोड्स। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं एयरक्राफ्ट के रिमोट कंट्रोल के ऑपरेशंस, कैसे एंटीना को रखना है, कौन सी की किस काम में आएगी एंड ऑल थिंग्स। नाउ बिफोर फर्स्ट फ्लाइट आपको एयरक्राफ्ट के एंटीने को इस डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। देन स्मार्टफोन को आपको, जो आपके स्मार्टफोन का चार्जिंग पोर्ट होगा उसको सेम
आरसी कंट्रोल की डेटा साइट लाइक दिस। इस तरीके से आपको स्मार्टफोन को फिक्स करना है। नाउ हेयर व्हेन इन दिस एयरक्राफ्ट द स्क्रोल बटन ऑपरेट्स द एयरक्राफ्ट गिम्बल, यू कैन ले अप एंड डाउन। दिस की कंट्रोल द एंड कैप दिस की कैप्चर फुटेज एंड दिस की रिकॉर्ड वीडियोस, यू कैन सी हेयर। एंड दिस इज चार्जिंग पोर्ट, रिमोट कंट्रोल चार्जिंग पोर्ट ऑल्सो हेयर, क्वालिटी चेक साइन ऑल्सो मैंशन। दिस इज वन की टेक ऑफ एंड लैंडिंग की, यू कैन प्रेस 2 सेकेंड देन एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ एंड ड्यूरिंग फ्लाइट यू कैन प्रेस 2 सेकेंड दिस की देन एयरक्राफ्ट विल लैंड। दिस इज स्पोर्ट मोड की, यू कैन ऑफ एंड ऑन अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी। दिस की यूज टू एनेबल RTH रिटर्न टू होम फंक्शन। एंड इफ यू नीड टू जूम इन एंड जूम आउट यू कैन फर्स्टली प्रेस फंक्शन की देन स्क्रोल अप एंड डाउन, जूम फंक्शन विल वर्क। ठीक, दिस लेफ्ट जॉयस्टिक वर्क फॉर अप एंड डाउन एंड लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन। दिस जॉयस्टिक वर्क्स फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फ्लाइट टेस्ट की तरफ, जिसमें आपको एयरक्राफ्ट की गिम्बल्स मूवमेंट एंड लेफ्ट राइट अप डाउन एंड फ्लाइंग मोड्स, रॉकेट फ्लाइंग मोड्स, सभी मोड्स को हम फ्लाइट मोड में चेक करेंगे प्लस गिम्बल की क्वालिटी। पुट स्मार्ट बैटरी इन एयरक्राफ्ट बैटरी केस, प्रेस एंड होल्ड 5 सेकेंड एयरक्राफ्ट विल टर्न ऑन। नाउ यू कैन सी गिम्बल कैलिब्रेशन। फ्रेंड्स अब हम इजी फ्लाई ड्रोन की फ्लाइट टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपको SD कार्ड इंसर्ट करना है। इजी फ्लाई ड्रोन में आप 8 GB से लेके 128 GB तक का SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप U3 क्लास का SD कार्ड यूज़ करें फॉर बेटर रिजोल्यूशन एंड हाई क्वालिटी। नाउ अब हम इजी फ्लाई की स्मार्ट बैटरी को बैटरी केस में इंसर्ट करेंगे एंड देन टू स्टार्ट एयरक्राफ्ट प्रेस एंड होल्ड पावर की फॉर 5 सेकेंड। नाउ एयरक्राफ्ट विल टर्न ऑन, यू कैन सी 2 LEDs एंड गिम्बल कैलिब्रेशन। गिम्बल कैलिब्रेशन इज सक्सेसफुल। नाउ वी विल कैलिब्रेट एयरक्राफ्ट, हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन एंड कंपास कैलिब्रेशन। फ्रेंड अब हम इजी फ्लाई ड्रोन की फ्लाइट टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपको माइक्रो SD कार्ड इसके पोर्ट में इंसर्ट करना है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको आप प्लीज़ यूज़ कीजिए U3 क्लास का SD कार्ड 8 GB से लेके 128 GB फॉर बेटर रिजोल्यूशन। यू कैन यूज़ U3 क्लास SD कार्ड। नाउ पुट इजी स्मार्ट बैटरी, प्रेस एंड होल्ड 5 सेकेंड एयरक्राफ्ट टर्न ऑन। यू कैन सी LED स्टेटस। ये 3 LED आपको बैटरी लेवल शो करेंगी एंड अपर मेन LED एयरक्राफ्ट स्टेटस शो करेंगी। नाउ यू कैन चेक 2 LED पोजिशनिंग सेंसर रेड।
आरसी फर्स्टली सिमिलरली फॉर द एयरक्राफ्ट प्रेस एंड होल्ड 5 सेकेंड एयरक्राफ्ट टर्न ऑन व्हेन एयरक्राफ्ट एंड आरसी पेयर्ड देन दिस एलईडी स्टेटस चेंज टू ग्रीन सॉलिड ग्रीन यू कैन सी स्टेटस चेंज्ड सिमिलरली एयरक्राफ्ट स्टेटस ऑल्सो सॉलिड ग्रीन विच मीन्स एयरक्राफ्ट एंड रिमोट कंट्रोल पेयर्ड. अब हम आरसी केबल को कनेक्ट करेंगे. ओपन एंजॉय फ्लाई टू ऐप यू कैन डाउनलोड ऑन गूगल प्ले स्टोर और इन iOS. Allow Enjoy Fly 2X to a proxy. Select OK. Now status. Aircraft connected and then start flying. Go here. You can see your credential detail, flight data log, device management. Aircraft position system. Start flying. You can see aircraft interface. Now here play and pause record. You can select this option and change video resolution. 2K 1080p default 4K 30 fps. Now you can also date time watermark in video and also in photo date time watermark. Photo resolution you can check, change according ISO level, scan mode, night, sports, portrait, firstly you need to calibrate aircraft, yes, sensor calibration, horizontal calibration, calibration success, compass calibration. Calibration start. Please keep level rotation. Put now rotate aircraft and then you can see next you can see calibration success done. Now when you start for takeoff position आपको दोनों जो है स्टिक्स को आउटर मोस्ट डाउन पे लेके जाना है. देन यू कैन सी एयरक्राफ्ट इन टेक ऑफ पोजीशन. यू कैन यूज 1 की टेक ऑफ. प्रेस होल्ड दिस की फॉर 2 सेकेंड. एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ. You can see aircraft will take off. For up
यू कैन यूज लेफ्ट जॉयस्टिक इन अप डायरेक्शन यू कैन सी एयरक्राफ्ट. Then four down, left joystick in down direction, left rotation, right rotation, right side, left side, forward, backward, फ्रेंड्स. अब हम इसके इजी फ्लाई के फ्लाइंग मोड्स चेक करेंगे. हेयर यू कैन सी अ टैब फ्लाइंग मोड्स. हेयर पॉपअप मैसेज द ड्रोन रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग. नाउ यू कैन अनेलेबल दिस ऑल मोड्स. नॉर्मल मोड्स, फॉलो मी मोड्स, वे पॉइंट, रॉकेट, ड्रोनी, हेलिक्स, बूमरैंग, सर्कल, पेनोरमा, टाइम लैप्स, ऑल दीज मोड्स यू कैन चेक वन बाय वन. हेयर फॉर शॉर्ट एरिया नॉट अ लॉन्ग, सो यू कैन वी कैन यूज ओनली वन मोड, रॉकेट मोड. यू कैन सी हेयर डिफॉल्ट डिस्टेंस फ्लाइट डिस्टेंस इज 12 मीटर, 13 मीटर, 14. यू कैन सिलेक्ट एनी वन. हेयर वी कैन सिलेक्ट 12 एंड गो टू नेक्स्ट फ्लाइट. हेयर यू कैन स्टार्ट देन रॉकेट मोड विल वर्क. स्टार्ट. Friends, for land you can press this key. फ्रेंड्स हम इजी फ्लाई की फ़्लाइट टेस्टिंग कर चुके हैं जिसमें मोड्स चेक किया. कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा. रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कहेंगे बट हम कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट को सेफली मतलब कैसे फ्लाई करें ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा. फर्स्टली आपको एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से पहले आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपकी एयरक्राफ्ट का जीपीएस सिग्नल 13 अबव
या फिर अप्रोक्स 13 स्टार रेटिंग का होना चाहिए, देन आप इजी फ्लाई ड्रोन को इजीली फ्लाई कर सकेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास ज़्यादा क्राउड ना हो, बिल्डिंग्स नियरली अबाउट आप जिस लोकेशन पे फ्लाई कर रहे हैं 30 मीटर के डिस्टेंस पे बिल्डिंग्स और हाई क्राउडनेस ना हो, एंड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसर, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट ना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मतलब कमर्शियल प्लेस पे उड़ा रहे हैं या फिर किसी फैक्ट्री के आसपास, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ना हो एयरक्राफ्ट से, अदरवाइज़ कैलिब्रेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा और एयरक्राफ्ट भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, आपको बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। वैसे ये इंडियन मैनुफैक्चरिंग ड्रोन है, मैंने इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग की है, आपको भी इस वीडियो में बताया है। सारे इंस्ट्रक्शन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, कैसे फ्लाई करना है, किस जॉयस्टिक्स के ऑपरेशन कैसे होंगे। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट फ्लाइट की कुछ इसके इंस्ट्रक्शन देखे और कुछ रिस्ट्रिक्शन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, करने भी चाहिए किसी भी ड्रोन्स को या एयरक्राफ्ट को अगर आप फ्लाई करते हैं। आप इंश्योर कीजिए जब भी फ्लाइट करें ग्रीन जोन में करें, इजी फ्लाई ड्रोन, किसी भी ड्रोन को आपको बेसिकली ग्रीन जोन में ही फ्लाई करना पड़ता है। और प्रायोरिटी बेसिस पे आपको UIN नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिकॉज इजी फ्लाई ड्रोन माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका वेट 530 ग्राम से, सो आपको UIN नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बेसिकली मेड इन इंडिया, दिस ड्रोन को लॉन्च करने का पर्पस ये है कि इंडिया में ड्रोन्स, मेड इन चाइना ड्रोन्स बैंड हो चुके हैं एंड इलीगल्स भी है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है। 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जो सोनी सीमो सेंसर्स इसमें अटैच्ड है, जो आपको बेटर रिजोल्यूशन 4K 30 FPS का रिजोल्यूशन देता है। एंड इसका डिफ़ॉल्ट एल्टीट्यूड 1.2 मीटर है, जब आप इसको टेक ऑफ करेंगे तो ये 1.2 मीटर पे सेटल डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा। एंड इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड हाइट 800 मीटर है, 800 मीटर। डिफ़ॉल्ट एल्टीट्यूड हाइट इजी फ्लाई की 120 है, बट आप इन ऐप इन्जॉय फ्लाई ऐप के ज़रिए इसको 800 मीटर तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड इसका एक फ़ीचर सबसे अच्छा है, आप इसमें देखेंगे RTH, 3 स्टेज में RTH फंक्शन दिया गया है, लो बैटरी RTH, 1 key रिटर्न टू होम 1 key RTH एंड लॉस्ट कनेक्शन RTH। ये तीनों रीज़न के अंदर आपका एयरक्राफ्ट रिटर्न टू होम फंक्शन को फॉलो करेगा। इन केस अगर आपका RTH आपने एनेबल किया और आपका ड्रोन 30 मीटर से नीचे है, 30 मीटर एल्टीट्यूड से बिलो है, तो फर्स्टली एयरक्राफ्ट 30 मीटर डिस्टेंस एल्टीट्यूड को कवर करेगा, देन वो RTH फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। माय पॉइंट इज़, यदि आपका ड्रोन 20 मीटर पे है तो पहले वो 30 मीटर पे जाएगा अपसाइड एंड देन वो लैंड होगा इन RTH कंडीशन। अगर आपका एयरक्राफ्ट 30 मीटर से ऊपर है तो देन वो वहीं से वापस लैंड हो जाएगा आपकी रिटर्न टू होम लोकेशन पे। सो फ्रेंड्स, RTH भी काफ़ी हद तक इसमें अच्छा है, हमने चेक किया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इजी फ्लाई, कस्टमर केयर सपोर्ट भी इसमें अच्छा मिला है। मुझे कुछ इशू फेस हुए थे जिसके रिगार्डिंग मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया था इजी कस्टमर केयर सपोर्ट, वहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और जो जो डाउट्स थे सारे क्लियर्स हो गए। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दिस ड्रोन को आप परचेज़ करें ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए, इमेजेस के लिए।